हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रहमान, दिल्ली है फिक्सिंग से आज फिर आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ। और मेरा आज ये वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो उन सभी लोगों को लेकर है जिनको हेयर फॉल होता है, जिनके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं। तो ये मेरी वीडियोस आज उन सभी लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इस वीडियोस को आगे लेके। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने मिनोक्सिडिल और मिनटॉप के बारे में सुना है तो और देखा भी है, तो उसी चीज़ को मैं लेकर आप सभी के सामने आ रहा हूँ। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जब भी हमारे बाल झड़ते हैं या टूटते हैं तो हम सीधा क्लिनिक पर जाते हैं और या मेडिकल स्टोर पर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में उनको बोलते हैं कि एक मिनोक्सिडिल दे दीजिए। तो क्या होता है, मिनोक्सिडिल लगाने से या मिनटॉप लगाने से हमारे जो स्कल्प पे जो बाल, हमारे रूट्स जो झड़ रहे होते हैं, नॉर्मल हल्के हल्के जो झड़ रहे होते हैं, वो झड़ना बंद हो जाते हैं उसे लगाने के बाद। क्यों? क्योंकि वो अंदर पे जो स्कल्प पे, जब हम स्कल्प प्रोटेक्टर जब लगाते हैं, स्कल्प प्रोटेक्टर लगाने के बाद में हमारे जो स्कल्प पे जो रूट्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो हमारे बालों को टूटने नहीं देते। ठीक है, तो आपने उसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 8 महीने यूज़ करा। यूज़ करने के बाद में क्या होता है, हमारा साइड इफेक्ट और बढ़ जाता है। जब हम उसको लगाना बंद करते हैं तो उसके बाद में हमारे रूट्स ओपन हो जाते हैं और लूज हो जाते हैं, तो उसके कारण हमारे बाल और ज़्यादा स्पीड से झड़ने लगते हैं। तो देखिए, सबसे बेटर जो तरीका है मेरे नॉलेज के अंदर, मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि सिर्फ आप पीआरपी करवाइए। पीआरपी करवाने के बाद में क्या होता है कि आपके बाल रुक सकते हैं। ठीक है, वो भी 100% नहीं, डॉक्टर इसकी गारंटी भी नहीं लेता है, मगर 50-50% डॉक्टर भी इसकी गारंटी लेता है कि रुक सकते हैं आपके बाल टूटना हेड ट्रीटमेंट करवाने से, आपको नॉर्मल पीआरपी करवाने से। मगर मैं आज उन्हीं सभी लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ कि देखिए, आप सब कुछ करिए, मिनोक्सिडिल भी लगाइए, सारी चीज़ें लगाइए, मगर मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आप कुछ भी चीज़ लगाइए। क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि इसको लगाने से लोग बागों के इसमें बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और ज़्यादा इसको छोड़ने के बाद में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, विदाउट टेंशन फ्री आप एक चीज़ लगवा सकते हैं, पैच, हेयर पैच। इसके अंदर किसी तरीके का आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, स्कैल्प पे किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल लगाना है, उसको आप लगाइए। लगाने के बाद में जैसे आप उसको हटाएंगे तो आपकी स्कैल्प बिल्कुल साफ निकलेगा। ठीक है, ना आपको कोई किसी तरीके से इन्फेक्शन होगा, ना आपको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हेड का मामला है कि कभी भी अगर हमारे कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसके जिम्मेदार कौन है, उसके जिम्मेदार हम हैं। तो सो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अभी मेरी पिछली वीडियो इसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि सेल्फ सर्विस के लिए काफ़ी सारे लोग हमारे आ नहीं सकते हमारे पास में बार बार सर्विस करवाने के लिए। तो उसलिए मैंने एक वीडियोस बनाया था, मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसमें लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं उस वीडियोज़ को। तो मैंने पूरा सेल्फ सर्विस आपको बताई कि पैच नहीं निकलता है, पैच उतरता भी नहीं है, ऐसे खींचने से लोग बाग खींचते हैं इस टाइप से, तो पैच नहीं निकलता है दोस्तों। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप इस पर यूज़ करते हो, क्योंकि टेप 2 तरीके की आती है, एक येलो टेप आती है, एक उसमें नो शाइन टेप आती है। जो येलो टेप की पावर होती है वो 50% होती है, जो नो शाइन पावर टेप की पावर होती है वो 100% होती है, क्योंकि वो ग्लू मिक्स टेप होती है। जैसे हमारा अल्ट्रा गोल्ड हम यूज़ करते हैं तो जब हम उसको लगाते हैं उसकी पावर बढ़ जाती है, इसी तरीके से वो टेप होती है, उसको लगाने से उसकी पावर बढ़ जाती है, तो पैच को जल्दी से वो नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ग्लू सिस्टम होता है। हमारे स्कल्प पे जाने के बाद वो मेल्ट होना हल्का हल्का स्टार्ट हो जाता है, वो हीट जब मिलती है उसको। तो ठीक है दोस्तों, बाकी जैसा भी आपको मेरी इस वीडियोज के अंदर जो भी आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियो में, नए लुक के साथ। ओके, बाय बाय।